2021-22 सीजन में सरकार अब तक अट्ठावन मिलियन टन से अधिक चावल खरीद कर चुकी है और कुल खरीद 60 मिलियन टन होने की संभावना है वहीं पिछले वर्ष चावल की खरीद रिकॉर्ड 60 मिलियन टन थी अगला खरीद सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगा और पूर्वी राज्यों में अब तक कम वर्षा के कारण धान की बुआई क्षेत्र में एक साल पहले की तुलना में तेरह की गिरावट के साथ चावल के उत्पादन में गिरावट की संभावना है कम उत्पादन अनाज की खरीद को प्रभावित कर सकता है वहीं अखबारों के मुताबिक प्रमुख राज्यों जैसे पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चावल का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि इन राज्यों में पर्याप्त बारिश हुई है हालांकि इन राज्यों में कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रह सकती है वहीं व्यापारी अन्य क्षेत्र में कम उत्पादन को देखते हुए किसानों से एमएसपी से अधिक कीमत पर खरीद कर सकते हैं इससे सरकारी खरीद प्रभावित हो सकती है वहीं खाद्य मंत्रालय जल्द ही आगामी सीजन के लिए चावल खरीद का लक्ष्य भी निर्धारित कर सकता है खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले महीने राज्यों से वैश्विक मांग को ध्यान में रखते हुए अधिक चावल उगाने का आग्रह किया था अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चालू वित्त वर्ष की दूसरी छह में बढ़ाया जाता है तो केंद्रीय पुल में चावल का बफर स्टॉक 16 प्रतिशत तक गिरने की संभावना है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी